हेलो एवरीवन, माय सेल्फ मिसेज फिंदा, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। स्टूडेंट्स, टुडे आई वुड लाइक टू टीच यू अबाउट अर्थ। इन ज्योग्राफी सब्जेक्ट वी विल स्टडी चैप्टर 1, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। स्टूडेंट्स, अर्थ इन द सोलर सिस्टम, अर्थ आप सभी जानते हो, अर्थ का मतलब होता है पृथ्वी, और सोलर सिस्टम ये आपके सामने डायग्राम दिया हुआ है, यही है सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में जो सन होता है, जो आप डेली देखते हो डे टाइम में, सन सेंटर में होता है और सन के चारों तरफ प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो सर्कल के शेप में है, ये सभी के सभी प्लैनेट्स हैं और इन्हीं में से एक है अर्थ, जो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करता है इस तरह से। यही है सोलर सिस्टम। हम लोग इसको आगे डिटेल से भी पढ़ेंगे। और इस सोलर सिस्टम में हमारा एक अर्थ है, जिस पर कि जीवन संभव है। सभी प्लैनेट में अर्थ एक यूनिक प्लैनेट है, जहाँ पर कि जीवन संभव है, जहाँ हम सभी रह रहे हैं। बच्चों, आप कभी नाइट के टाइम में यानी रात में स्काई को देखा होगा, या जैसे ही सनसेट होता है, सूर्यास्त होता है, उस वक्त भी आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे ही सनसेट होता है, कुछ स्टार्स दिखाई देने लगते हैं। जैसे कि सनसेट होने के तुरंत बाद 2 स्टार्स दिखाई देते हैं, जो काफ़ी चमकते हुए दिखाई देते हैं। और जैसे जैसे डार्क होता जाता है, स्काई में अनगिनत स्टार्स आपको दिखाई देने लगेंगे, यानी कि इतने सारे स्टार्स आपको दिखाई देंगे जिसको कि आप काउंट भी नहीं कर सकते। और ये सभी स्टार्स जो हैं डायमंड के तरह चमकते हैं, और कुछ जो हैं थोड़ा कम चमकते हैं, या कुछ जो आसमान में बॉडीज होती हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, नहीं भी चमकते हैं। वे जो होते हैं सन के लाइट से चमकते हैं। ऐसे जो ऑब्जेक्ट होते हैं जो सन के लाइट से ग्लो करते हैं, चमकते हैं, उनको प्लैनेट कहा जाता है। स्टूडेंट्स, प्लैनेट के अलावा भी कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो सन के लाइट से चमकते हैं, जैसे मून। मून जो है सनलाइट से ग्लो करता है। बच्चों, मून को आप सभी स्काई में देखे होंगे। मून जो है कभी एक शेप में नहीं दिखाई देता है, नहीं एक प्लेस पर दिखाई देता है। इसका शेप कभी फुल मून होता है, यानी पूरे सर्कल में होता है, तो कभी आधा होता है, तो कभी उससे भी कम होता है। और जब मून पूरे फुल सर्कल में होता है, उसको फुल मून कहा जाता है, और उस दिन को पूर्णिमा भी कहा जाता है। इसी तरह से एक दिन ऐसा आता है
एक मंथ में एक ही दिन ऐसा आता है जिस दिन मून हमें दिखाई ही नहीं देता, उस दिन को न्यू मून नाइट कहा जाता है या फिर अमावस्या कहा जाता है। उस दिन पूरे रात जो है अंधेरा रहता है, यानी पूरे रात डार्क रहता है। बच्चों, स्काई में सन, मून और इसी तरह से और भी बहुत से ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो रात में शाइनिंग करते हैं, चमकते हैं, ग्लो करते हैं। इनको सेलेस्टियल बॉडीज कहा जाता है। ये जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं ये बहुत बिग होते हैं, बड़े होते हैं और हॉट भी होते हैं, और ये गैस से बने होते हैं। जिन सेलेस्टियल बॉडी के पास अपना खुद का हीट और लाइट होता है और वे क्या काफ़ी मात्रा में हीट और लाइट निकालते हैं, इमिट करते हैं, उनको, उन सेलेस्टियल बॉडीज़ को स्टार कहा जाता है। बच्चों, जो आप डेली सन को देखते हो, सन एक स्टार है, लेकिन जिसको कि आप नाइट में देखते हो, जो मून है वह स्टार नहीं है, वो सैटेलाइट है। क्योंकि मून जो है दूसरे के लाइट से ग्लो करता है। स्टूडेंट्स, इसी तरह से बहुत से स्टार्स हैं जो स्काई में ग्लो करते हैं, ब्राइट होते हैं, यानी कि चमकते हैं, लेकिन वे बहुत छोटा छोटा दिखाई देते हैं। तो बच्चों, ये छोटा क्यों दिखाई देता है? ये छोटा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि ये जो स्टार्स होते हैं ये हम लोगों से बहुत दूर होते हैं। इसको आप खुद अपने रियल लाइफ में भी एक्सपीरियंस कर सकते हो, अनुभव कर सकते हो। जैसे हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन आसमान में उड़ता है तो जब आपके पास होता है तो वह बहुत बड़ा दिखाई देता है, लेकिन जैसे जैसे वो आपसे दूर जाता है वो छोटा दिखाई देने लगता है। ठीक वैसे ही स्टार्स भी हमसे काफ़ी दूर होते हैं जिसके वजह से वे बहुत छोटा छोटा दिखाई देते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने यह देखा होगा कि स्काई में, आसमान में स्टार्स जो हैं काफ़ी चमकते हैं, लेकिन वे नाइट में ही चमकते हैं, यानी कि रात में ही ग्लो करते हैं, दिन में नहीं। तो ऐसा क्यों होता है? तो इस चीज़ को हम लोग समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। सबसे पहले आप एक टॉर्च ले लो और टॉर्च पर एक पेपर लगा दो, और जो पेपर है उसमें कुछ सर्कल कर दो, और सर्कल करने के बाद फिर से उसको, यानी पेपर को टॉर्च के ऊपर लगा दो, और उस पेपर को रबड़ बैंड से टाइट कर सकते हो। और जो आपने सर्कल लगाया था उस सर्कल को आप नीडल से होल कर दो, कागज़ में होल करना है सिर्फ, यानी कि पेपर पर, और फिर आप एक रूम में चले जाओ और वहाँ पर सारे लाइट ऑफ कर देना, रूम बिल्कुल अंधेरा होना चाहिए। अब टॉर्च को आप ऑन कर दो और देखोगे कि टॉर्च से जो
लाइट निकल रहा है वह आपको, आप उस टॉर्च को थोड़ा दीवार के ऊपर फोकस करना और फिर आप देखोगे कि दीवार के ऊपर कुछ दाग टाइप का दिखाई देगा। अब आप उस रूम का जो लाइट है सभी लाइट को ऑन कर दो। अब देखोगे कि जो आपको दीवार के ऊपर दाग टाइप का दिखाई दे रहा था वो आपको दिखाई नहीं देगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो यहाँ पर जो आपने लाइट को ऑन कर दिया उस लाइट की वजह से वह जो दाग दिखाई दे रहा था वह नहीं दिखाई देगा। ठीक ऐसा ही हमारे साथ डे में होता है। नाइट जब रहता है तो स्टार्स दिखाई देते हैं और डे में स्टार्स नहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि सन जो है अपने लाइट से हम लोग को अलाउ नहीं करता कि हम स्टार को देख सकें। बच्चों, आप सभी नाइट के समय स्काई को देखा होगा और बहुत से स्टार्स ग्लो करते हुए आपको दिखाई दिया होगा और स्काई में कुछ स्टार्स ऐसे हैं कि कुछ शेप बनाते हैं और ये जो शेप हैं वो स्टार्स के ग्रुप मिलकर बनाते हैं और इन स्टार्स के ग्रुप को जो डिफरेंट टाइप्स के पैटर्न बनाते हैं, डिफरेंट टाइप के शेप बनाते हैं, अलग अलग प्रकार के आकार बनाते हैं, उन स्टार्स के ग्रुप को कॉन्स्टेलेशंस कहा जाता है। जैसे एग्जांपल में है उर्सा मेजर, जो आपको डायग्राम में दिखाया गया है उर्सा मेजर का, जिसको कि सप्तऋषि भी कहा जाता है। सप्तऋषि का मतलब है, सप्त मतलब सेवन होता है और ऋषि का मतलब होता है सेज, साधु, यानी कि ये सात साधुओं का ग्रुप है। ये एंशियंट टाइम में लोगों का इमेजिनरी सपोज था, यानी कि लोगों का मानना था कि ये सात ऋषियों का समूह है। तो यहाँ सात स्टार्स, सेवन स्टार्स मिलकर एक शेप बनाते हैं और इस शेप को सप्तऋषि कहा जाता है या उर्सा मेजर भी कहा जाता है। बच्चों, इसी तरह से स्काई में, आसमान में और भी बहुत सारे स्टार्स के ग्रुप हैं जिनके बारे में आप अपने घर के एल्डर्स, अपने ग्रैंडफादर, फादर से पूछकर पता कर सकते हो या अपने आस पड़ोस में भी पूछकर इसके बारे में पता कर सकते हो। अभी आपको कॉन्स्टोलेशन यानी कि सप्तऋषि के बारे में पढ़ना था जो मैं आपको बताई हूँ। इसको बिग बियर भी कहा जाता है। अब है पोल स्टार्स। यहाँ पर सप्तऋषि के जस्ट ऊपर में नॉर्थ स्टार है जिसको कि पोल स्टार भी कहा जाता है। बच्चों, पोल स्टार को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि सबसे पहले आप सप्तऋषि को देखो और सप्तऋषि के जो नीचे का टू स्टार्स हैं वहाँ से आप फोकस करके सीधे ऊपर देखो तो आपको जो स्टार दिखाई देगा वह है नॉर्थ स्टार यानी कि पोल स्टार। बच्चों, एंशियंट टाइम में पोल स्टार का उपयोग एंशियंट पीपल यानी कि जो पहले के लोग थे वे पोल स्टार का यूज़ डायरेक्शन को देखने के लिए करते थे रात के समय में।
क्योंकि रात के समय में सन नहीं रहता है, तो पोल स्टार से डायरेक्शन पता करते थे। पोल स्टार से ही लोग डायरेक्शन का पता क्यों करते थे? इसलिए करते थे क्योंकि पोल स्टार जो है हमेशा हमेशा नॉर्थ में ही दिखाई देता है, यानी कि पोल स्टार नॉर्थ में रहता है, इसीलिए उसको नॉर्थ स्टार भी कहा जाता है। तो एंशियंट लोग इसीलिए नॉर्थ पोल को पोल स्टार को डायरेक्शन के लिए डायरेक्शन पता करने के लिए यूज़ करते थे। बच्चों, हम लोगों ने देखा कि जिस सेलेस्टियल बॉडी के पास अपना हीट और लाइट नहीं होता उसे प्लैनेट्स कहा जाता है। बच्चों, प्लैनेट्स वर्ड जो है एक ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई से लिया गया है, जिसका मतलब होता है वंडर्स, यानी कि सुंदर। यानी कि प्लैनेट्स जो हैं, जैसे अर्थ है, अर्थ जैसा कि मैंने बताया है कि अर्थ एक यूनिक प्लैनेट है जहाँ पर कि हम सभी रहते हैं। तो हम लोग कहाँ रहते हैं? हम लोग अर्थ पर रहते हैं। और अर्थ जो है हीट और लाइट किससे प्राप्त करता है? तो सन से प्राप्त करता है। और इसी तरह से जो नियरेस्ट स्टार है उससे भी हीट और लाइट प्राप्त करता है। बच्चों, आपने मून को चमकते हुए देखा, तो मून कैसे चमकता है? वह सनलाइट से ग्लो करता है, चमकता है। ठीक वैसे ही यदि आप अर्थ से मून के ऊपर जाओ और मून से जब अर्थ को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि अर्थ भी मून के जैसा ग्लो कर रहा है, चमक रहा है। कौन चमक रहा है? अर्थ। बच्चों, जिस तरह से सन के चारों तरफ अर्थ रिवॉल्व करता है, ठीक वैसे ही जो मून होते हैं वो भी प्लैनेट के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, यानी कि अर्थ का जो मून है अर्थ के चारों तरफ मूव करता है। अब हम लोग आगे सोलर सिस्टम को जानेंगे। सोलर सिस्टम को हम लोग आगे के वीडियो में देखेंगे।